हम सभी को डिज़ाइनर चीज़ें पहनने का, डिज़ाइनर आउटफिट्स पहनने का बहुत शौक़ होता है, बट प्रॉब्लम ये होती है या तो हमें चीज़ों की नॉलेज नहीं होती, हमें फैब्रिक्स का नहीं पता होता, हमें मटेरियल की नॉलेज नहीं होती, और इन सब की वजह से जो हमारा बजट होता है वो भी ऊपर चला जाता है और कई बार हमारी चीज़ें भी अच्छी नहीं बनती हैं। तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए लवलीज, आज की वीडियो के बाद आप बिल्कुल सीख जाएंगी कि किस तरह से बजट को कंट्रोल करते हुए आपको अपने लिए लहंगा या फिर गाउन बनवाना चाहिए। लहंगा या जो गाउन होते हैं उनमें ऑलमोस्ट सेम ही फैब्रिक्स, मटेरियल, ये सारी चीज़ें सेम ही यूज होती है। तो आज की वीडियो से आप सीख जाएंगी कि किस तरह से बजट को कंट्रोल करते हुए आप अपने लिए लहंगा या फिर गाउन बनवा सकते हो। तो हे दोस्तों, मैं हूँ नेहा, आप देख रही हैं फावन्या क्रिएशंस। लहंगे हों या फिर गाउन हों, हमेशा ट्रेंड में होते हैं, हमेशा इनका ट्रेंड चलता रहता है। लहंगे गाउन हर कोई पहनता है, हर कोई ज्यादातर प्रेफर करता है, सभी को पसंद होते हैं, चाहे लहंगे हों या फिर गाउन हों। तो बहुत जरूरी है कि चाहे आप मार्केट से परचेज करें या फिर लहंगा गाउन आप खुद से कस्टमाइज कराएं, बहुत जरूरी है कि आपको छोटी छोटी चीजों के बारे में पता होना चाहिए, फैब्रिक्स पता होने चाहिए, मटेरियल पता होने चाहिए। और यकीन मानिए, अगर ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होंगी ना, तो आप अपने बजट को बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हो, लो भी कर सकते हो और हाई भी कर सकते हो। तो यहाँ आप सीख सकते हो कि किस तरह से आप अपने बजट को कंट्रोल करेंगे। तो आज की वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप में से काफी लोगों को ये मिसकंसेप्शन होगा कि अगर हम ज्यादा फैब्रिक लेकर जाएंगे, ज्यादा कपड़ा लेकर टेलर से बनवाएंगे, तो हमारा गाउन, हमारा लहंगा, उसमें जो फ्लेयर आएगा वो बहुत ज्यादा आएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सही फैब्रिक चूज करते हो ना, तो आप कम कपड़े के अंदर भी अपना एक काफी अच्छे फ्लेयर वाला गाउन या लहंगा बनवा सकते हो। तो फर्स्ट नंबर पे आता है ब्रोकेड का फैब्रिक। ब्रोकेड का फैब्रिक यूज करके इजिली आप अपने लिए लहंगा या फिर गाउन कस्टमाइज करवा सकते हो। ध्यान आपको सिर्फ छोटी छोटी चीजों का रखना है। ब्रोकेड के फैब्रिक की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो ब्रोकेड का फैब्रिक होता है उसकी जो विथ होती है वो काफी अच्छी होती है। और जब आप गाउन लहंगा बनवाते हो तो इस तरीके के फैब्रिक चूज कीजिए जिनकी जो विथ होती है काफी ज्यादा होती है। तो जो ब्रोकेड का फैब्रिक होता है उसकी विथ होती है काफी अच्छी खासी। तो मैंने भी एक गाउन बनवाया था जिसका मैंने DIY कर दिया है, और इसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा है गाउन रियूज का वीडियो, तो उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर लेना। तो जो ब्रोकेड का फैब्रिक होता है वो कुछ इस तरीके का फैब्रिक होता है ताकि आप इजिली रिकॉग्नाइज कर पाए। सी, और अगर आप इसको ऐसे उल्टा करते हो, उल्टी तरफ से देखते हो, तो इसके जो थ्रेड्स हैं ये निकलते रहते हैं। तो इस तरीके से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि ये ब्रोकेड का फैब्रिक है। और ये फैब्रिक उनके लिए भी काफी अमेजिंग है जो लोग बनारसी लहंगे, बनारसी दुपट्टे, बनारसी गाउन पहनना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि बनारसी फैब्रिक होता है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है और चाहता भी नहीं है कि इतना ज्यादा बजट लगा के वो लहंगा या गाउन बनवाए। तो इजिली आप उसे रिप्लेस कर सकते हो ब्रोकेड के फैब्रिक के साथ। ये फैब्रिक जो होता है देखने में भी कुछ बनारसी लुक देता है और काफी थिक फैब्रिक होता है। अब लहंगा गाउन जब आप इसके साथ बनवाते हो तो काफी फ्लेयर जो है कम कपड़े में काफी ज्यादा फ्लेयर आपको मिल जाता है। इस फैब्रिक को लेकर आप अपने लिए गाउन लहंगा बनवाएं तो आप उसमें फैब्रिक ले सकते हो, वो मिनिमम 3 से 4 मीटर तक आप फैब्रिक लेकर आराम से अपने लिए गाउन या फिर लहंगा कस्टमाइज करवा सकते हो। इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर आप क्योंकि ये फैब्रिक जो होता है इसके अंदर से थ्रेड्स जो होते हैं इस तरीके से निकलते हैं, तो जब भी आप गाउन लहंगा बनवा रहे हो तो इसमें आपको लेयरिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि काफी थिक फैब्रिक होता है, अच्छा खासा फ्लेयर इसमें कम कपड़े में आपको मिल जाएगा। सिर्फ आपको ऐड करवाना होता है इसके नीचे कोई भी लाइनिंग। लाइनिंग में आप कॉटन यूज करवा सकते हो या फिर आप सेंटून, इन दोनों में से कोई भी फैब्रिक आप एज अ लाइनिंग अपने गाउन और अपने लहंगे के नीचे लगवा सकते हो। तो इस तरीके से इस फैब्रिक का यूज करके बहुत ही लो बजट में आपका गाउन भी बन सकता है और आपका लहंगा भी बन सकता है। अब ये फैब्रिक अपने आप में एम्ब्रॉयडर्ड
फैब्रिक होता है, थिक होता है, अच्छा खासा हैवी फैब्रिक होता है, तो पूरी तरीके से ऑप्शनल है। आप चाहो तो अपने लहंगे के या फिर अपने गाउन के बॉटम एरिया पर लेसेस का यूज करवा सकते हो, गोटे का या कोई और एम्ब्रॉयडरी का यूज करवा सकते हो, लटकन लगवा सकते हो, नहीं भी लगवाते तो भी काम चल जाएगा। काफी अच्छे लगते हैं इसके लहंगे और जो गाउन होते हैं इस फैब्रिक के, काफी अमेजिंग लगते हैं। नेक्स्ट आप यूज कर सकते हो सिल्क टाफ्टा फैब्रिक, जैसे कि ये आप फैब्रिक देख रहे हो, ये सिल्क टाफ्टा फैब्रिक का लहंगा है। इसी तरीके से गाउन भी बनवा सकते हो आप, और ये जो फैब्रिक होता है इसकी भी विड्थ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। लहंगा गाउन बनवा रहे हो, जैसे कि पहले बताया है, विड्थ जो होती है ना कपड़े की बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कपड़ा आपको कम लेना पड़ता है, ज़्यादा क्वांटिटी आपको कपड़े की नहीं रखनी पड़ती है, तो जो आपका बजट है वो ऑटोमेटिकली लो हो जाता है। तो इस तरीके का आप फैब्रिक ले सकते हो, काफ़ी अच्छा फैब्रिक होता है और काफ़ी बजट फ्रेंडली ये फैब्रिक होता है, और इसके गाउन लहंगे लगते भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो लहंगे गाउन आप दो तीन तरीके के बनवा सकते हो, आप कली वाला बनवा सकते हो, या फिर आप प्लीटेड गाउन लहंगा बनवा सकते हो, या फिर आप अम्ब्रेला बनवा सकते हो। तो ये जो मैंने बनवाया हुआ है, ये मैंने बनवाया हुआ है कलीदार, और इस फैब्रिक का आप यूज़ करके मिनिमम जो लहंगे और गाउन का है वो आप ले सकते हो। और इस फैब्रिक से लहंगा गाउन बनवाते वक्त आपको जो फैब्रिक लेना है वो आप ले सकते हो 3.5 से 4 मीटर के अंदर, आपका बहुत ही अच्छा फ्लेयर वाला लहंगा गाउन बनकर तैयार हो जाएगा। ये फैब्रिक अपने आप में ही फैंसी फैब्रिक होता है। कोशिश कीजिए कि प्लेन ना लेते हुए आप कोई पैटर्न वाला, कोई डिजाइन वाला, जैसे कि मैंने गोल्डन डॉटेड लिया हुआ है, इस तरीके का आप यूज कीजिए तो अच्छा रहेगा। उसमें आपको कुछ एम्ब्रॉयडरी, यू नो, लेसेस या फिर कुछ भी गोटा, कोई स्टोन, सीक्वेंस, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वहां पर वो जो आपका खर्चा है वो भी बच जाएगा। इस फैब्रिक में भी लेयरिंग की आपको कोई जरूरत नहीं है, काफी थिक फैब्रिक होता है इसकी, मतलब यू नो खड़ा फैब्रिक होता है, लहंगा काफी फ्लेयर वाला बनता है। सिर्फ आपको इसमें नीचे यूज करवानी होती है एक कॉटन की लाइनिंग, जो इनफ होती है आपके गाउन के लिए, आपके लहंगे के लिए, दैट्स इट। आपको फ्लेयर देने के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करवाने की जरूरत नहीं है, लेयरिंग करवाने की जरूरत नहीं है, कैनकैन ऐड करवाने की जरूरत नहीं है, ये सारा खर्चा आपका बच जाता है। तो इस तरीके से आप सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप ये फैब्रिक यूज करके गाउन और लहंगा बनवा सकते हो। तो लास्ट में आता है मेरा पर्सनली फेवरेट, यानी कि नेट का फैब्रिक, जिसके गाउन, जिसके लहंगे किसको पसंद नहीं होते। नेट के लहंगे, नेट के गाउन बहुत खूबसूरत लगते हैं और काफी अफोर्डेबल, रिजनेबल बजट के अंदर आपके नेट के गाउन और नेट के लहंगे बनकर तैयार भी हो जाते हैं। तो लास्ट ऑप्शन ये है कि आप अपना गाउन, अपना लहंगा बनवा सकते हो नेट के फैब्रिक के साथ। आप चाहो तो प्लेन नेट का फैब्रिक भी ले सकते हो, और आप चाहो तो कोई पैटर्न, कोई डिजाइन वाला नेट का फैब्रिक भी ले सकते हो। अगर आप प्लेन लेते हो तो उसमें आपको कुछ ना कुछ ऐड करवाना पड़ेगा, लेसेस लगवानी पड़ेगी, या जो आपको अच्छा लगता है वो आपको ऐड करवाना पड़ेगा। बट अगर आप कोई डिजाइनर नेट का फैब्रिक लेते हो तो उसमें कोई जरूरत नहीं है कि आप कोई लेस लगवाओ, कुछ भी एक्स्ट्रा आपको ऊपर से उसमें ऐड करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब भी आप नेट का यूज करवा के अपना गाउन लहंगा बनवा रहे हैं तो वहां हमें जरूरत पड़ती है लेयरिंग की, क्योंकि बाकी जो फैब्रिक होते हैं वो थिक होते हैं, उनमें लेयरिंग की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जो नेट का फैब्रिक होता है वो काफी पतला होता है, लाइट वेट होता है, बहुत ही हल्का होता है, तो हमें जरूरत होती है कि इसमें हम लेयरिंग ऐड करवाएं। जैसे कि ये आप देख रहे हो, ये एक तरीके से ये लहंगा मैंने बनवाया था नेट का, और नेट का जो लहंगा है आपको उसमें लेयरिंग ऐड करवानी होती है। जैसे कि जो फर्स्ट आप लेयर देख रहे हो, ये है नेट की, जो लहंगा मैंने बनवाया हुआ था उसकी है। देन इसके नीचे आपको ऐड करवाने की जरूरत पड़ती है कोई भी शाइनी फैब्रिक। इसमें आप दो ऑप्शन है आपके पास, आप चाहो तो सेंटून का फैब्रिक यूज कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो साटन फैब्रिक यूज कर सकते हो। दोनों ही काफी चीप प्राइस में आ जाते हैं। जितना आपको नेट लेना होगा उतना ही आपको नीचे लेयरिंग के लिए फैब्रिक लेना होगा, चाहे आप साटन यूज कर रहे हैं या फिर आप सेंटून यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट लेयर में आप रख सकते हो अपना नेट का फैब्रिक, उसको नीचे बेस देने के लिए आप यूज कर सकते हो कोई भी शाइनी यानी कि साटन का फैब्रिक, या फिर आप सेंटून यूज कर सकते हो। उसके बाद आप नेट का जो फैब्रिक होता है हल्का होता है, तो पूरी तरीके से ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हो कि आपको बहुत ही फ्लफी अपना गाउन लहंगा चाहिए तो आप उसमें ऐड करवा सकते हो कैन कैन, और यहाँ पर आप फैब्रिक ले सकते हो करीब
चार से पांच मीटर के अंदर आपका जो गाउन लहंगा है वो नेट में आराम से बनकर तैयार हो जाएगा। ये जो आप लहंगा देख रहे हो, इसका जो फ्लेयर मैंने रखवाया हुआ है वो मैंने रखवाया हुआ है 4.5 मीटर के अंदर। नेट का जो फैब्रिक होता है उसमें आपको 4 से ऊपर ही फैब्रिक लेना होता है, वो इसलिए क्योंकि ये बहुत ही हल्का होता है। अगर आप इसमें कम फैब्रिक लोगे तो आपका लहंगा बहुत ही हल्का बनेगा। तो कोशिश कीजिए आप 4, 4.5 या आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 5 भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो। मिनिमम जो है आप 4 से 4.5 नेट का फैब्रिक जरूर लीजिए, उससे आपको फ्लेयर भी अच्छा मिल जाएगा और एक अच्छी फ्लफीनेस आपके लहंगे में आ जाएगी। तो ये जो आप देख रहे हो 4.5 मीटर के घेर का ये लहंगा है, इसी तरीके से अगर आप गाउन बनाओगे ना उसमें भी इसी तरीके का फ्लेयर आएगा। मुझे अपने लहंगे में बहुत ज्यादा फ्लफीनेस चाहिए थी, मैं चाहती थी बहुत ही ज्यादा फ्लफी हो, तो 4.5 मीटर के घेर में मैंने ये लहंगा बनवाया और साथ में मैंने इसमें नीचे ऐड करवा दी कैनकेन। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, आपके पास दो ऑप्शन है जब आप नेट का कुछ बनवा रहे हो। आप चाहो तो नेट के फैब्रिक को एक्स्ट्रा ले सकते हो, यानी कि आपको कैनकेन की नीड नहीं पड़ेगी। आप चाहो तो 6 मीटर के आसपास अपना फैब्रिक लेकर बनवा सकते हो, उसमें कैनकेन पूरी तरीके से आप अवॉइड कर सकते हो, बहुत अच्छा फ्लेयर आपको मिल जाएगा। एंड दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने नेट के फैब्रिक को कम रख सकते हो, 4.5 मीटर रख सकते हो और साथ में ऐड करवा सकते हो कैनकेन। दोनों ऑप्शन है आपके पास, जो आपको कंफर्टेबल लगता है उसके अकॉर्डिंग आप बनवा सकते हो। जब आप कैनकेन ऐड करवाते हो तो उसे आपको ऐड करवाना है कॉटन की लाइनिंग के ऊपर, तो यानी कि आपके गाउन में 3 लेयर हो जाती है। आप नेट की लेयर रखिए, देन उसके नीचे आप किसी भी शाइनी फैब्रिक की रखिए, एंड देन लास्ट में आप जो लेयर रखोगे वो होगी कॉटन की, जिसके ऊपर आप ऐड करवाओगे कैनकेन, ठीक है, जो कि पूरी तरीके से ऑप्शनल है। तो इन्हीं तीनों फैब्रिक्स को यूज करके आप अपने लिए बजट को कंट्रोल करते हुए लहंगा गाउन आराम से बनवा सकते हो। होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहे, आपको इससे हेल्प मिले और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम आईडी पर DM करके पूछ सकते हैं और मैं आपसे मिलूंगी कुछ हेल्पफुल वीडियोज में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।